Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 7 in class 12. That today's our next topic is here group 16. So group 16 का common जो name होता है वो है halogen. So halogen जो Greek word है इसमें. Halo means होता है salt, gen means उसे producer. तो ये generally salt producer मतलब salt का बनाने वाला. जरूरी जिसका nature यदि हम देखें तो nature में क्या होते हैं acid और bases होते हैं. But इनका जो nature होता है वो ये salty nature है. ठीक है. अब ऑक्रेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंस होता है वो फ्लोरीन का होता है. फ्लोरीन जो मेन कंपाउंड है बच्चे आपको राइट फ्रॉम में होता है, कायोनाइट फॉर्म में होता है, फ्लोर एपेटाइट फॉर्म में भी होते हैं. और कॉमनली इसका जो स्मॉल अमाउंट है प्रेजेंट होता है सॉइल में, रिवर में, बोन्स और टीथ में भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो मेन कंपाउंड होता है वो सोडियम क्लोराइड. चूंकि सी और ओसीएल वाटर का 2.5% बाई मास जो होता है वो वाटर में सोडियम क्लोराइड होता है. सो क्लोरीन का मेन जो कंटेंट है वो है सोडियम क्लोराइड और साथ ही इसका कार्बोनिलाइट फॉर्म में भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है. ब्रोमीन्स भी क्या होते हैं सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट में. और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है लिक्विड फॉर्म यही ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. क्लियर. आयोडीन जो है नॉन मेटल में क्या है लिक्विड होता है. क्लियर. और ये 40 के फॉर्म में भी प्रेजेंट है. वही एस्टेडाइन की बात करें तो ये क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है. ये थे ऑक्टेन्स जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है सभी लिक्विड गैसेस फॉर्म में है. आयोडीन क्या होता है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. वही देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो ये होता है नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक रेंज जिसमें आता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस की बात करें सो अप टू डाउन दैट इज इन इंक्रीज. रीजन क्या होगा ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा. इस तरह यदि सबसे ज्यादा हम साइज की बात करें तो होगा एपेटाइट. क्लियर. ये तो साइज सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी हाई होगी. क्लियर. नेक्स्ट इज इट आयोनाइजेशन इंटेंसिटी. सो वी नो ने जिसका साइज इतना कम होता है आयोनाइजेशन इंटेंसिटी उतनी ही हाई होगी. तो अप डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द साइज. सो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी. बट ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा डिक्रीज. सो फ्लोरीन है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है. सी है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गैप एंथैल्पी. ये क्या होगा सबसे हाईएस्ट होता है. क्लियर. ड्यू टू द डिग्री ऑफ साइज. सो वी हैव टू क्वेश्चन दैट हाइड्रोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. इसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी
स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। जैसे हम बात करें प्रोटीन की, यहां देखिए आउटर शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इजीली नियरेस्ट इसके नियर है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 नियर इसके हैलोजन। सो सबसे हाई आउटर शेल के ट्रांसफर से क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होती है, किसी अदर इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सो दैट इज देयर आंसर, क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसको यदि हम देखें सो अप टू डाउन दैट इज इन डिक्रीज, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन नहीं आएगा सेम इसमें भी, ड्यू टू डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होता है, बताओ, डिक्रीज होता है। सबसे हाईएस्ट आपका होल पेरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है किसकी, फ्लोरीन की होती है। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रो निगेटिविटी इन ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स में कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रो निगेटिव। रीजन ये आएगा क्योंकि साइज स्मॉलेस्ट होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, सबसे हाई होता है। सो हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड है। सो इसमें देखते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं, फ्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इससे पहले जो चार्ट दिखाया था उसमें आपको आयोडीन में लिक्विड दिखा दिया गया था, बट क्लोरीन का होता है लिक्विड में प्रेजेंट होता है, आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म। जितने भी हैलोजन्स होते हैं वे कलर्ड होते हैं। रीजन यह है कि विजिबल रीजन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में एक्साइटेड हो सकते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट एनर्जी लेवल में एक्साइटेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं। जिसमें फ्लोरीन येलो कलर, Cl2 यहाँ पे क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड, आयोडीन वायलेट कलर। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, बट ब्रोमीन और आयोडीन से लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब आपको डाउन आती है तो डिक्रीज होता है, तो हाई होना चाहिए था फ्लोरीन का, मतलब किसका है, क्लोरीन का। रीजन है कि फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन, जिसकी वजह से एफ और एफ क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं। जबकि क्लोरीन के साइड लार्जर होने की वजह से उसमें रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होने की वजह से क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है, मतलब वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जिसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होता है, मतलब बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू फ्लोरीन। तो रीजन आ गया क्लोरीन में, तो किसके क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जिस वजह से बॉन्ड इजली ब्रेक हो सकता है। और यही रीजन है कि F2F स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चल भी होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, बट बॉन्ड के वीक की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।